माली समाज माजीसा मंदिर प्रताप जी की प्रोल प्रांगण में इन दिनों 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 12 फरवरी को शुरू हुई ये भागवत कथा 18 फरवरी तक चलेगी। वृंदावन धाम से पधारी कृष्ण प्रिया उपाध्याय द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा के 5वें दिन शुक्रवार को कथावाचक ने श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। कथा श्रवण को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। माली समाज माजीसा मंदिर प्रताप जी की प्रोल बाड़मेर प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इन दिनों किया जा रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा 18 फरवरी तक चलेगी। कथा का वाचन वृंदावन धाम से पधारी कृष्ण प्रिया उपाध्याय द्वारा किया जा रहा है। कथा के दौरान शुक्रवार को 5वें दिन कथावाचक द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया गया। कथावाचक कृष्ण प्रिया उपाध्याय ने पूतना वध का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि पूतना किस प्रकार से अपने स्थानों पर कालकूट नाम का विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई और भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि पूतना जो राक्षसी भगवान का वध करने के लिए आई, उस राक्षसी को भगवान ने वह गति प्रदान की जो गति माता यशोदा को सैकड़ों वर्षों के बाद मिलेगी। कथा के प्रसंग में उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के घर में जाकर माखन की चोरी की, लेकिन भगवान ने किसी के माखन की चोरी नहीं की, बल्कि भगवान ने तो केवल गोपियों के प्रेम की चोरी की। उसके आगे माखन बंधन की लीला और उसके बाद में माटी खाने के प्रसंग का वर्णन किया। कथा के दौरान सभी भक्तों ने गिरिराज महाराज का पूजन करते हुए गोवर्धन की परिक्रमा की। अब तो जाग मुसाफिर सोइयो रे, अब तो जाग मुसाफिर। कथा पंडाल में कथावाचक कृष्ण प्रिया ने माताओं व बहनों से आग्रह किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारकर कथा में धर्म व पुण्य का लाभ उठाएं। कथा आयोजक दुर्गा शंकर शर्मा ने बताया कि आरती का लाभ सर्व समाज ने लिया, वहीं सर्व समाज द्वारा प्रसादी वितरण की गई। कथा श्रवण को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।